अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू माय चैनल सिंपल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्किन वाइटनिंग बॉडी स्क्रब, क्योंकि सब लोग फेस की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन बॉडी को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है उसका कलर टैन हो जाता है, उस पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो मैं इसका बहुत अच्छा सा एक हल लाई हूँ, स्किन वाइटनिंग होममेड ये स्क्रब है, जो कि आपको घर में ही चीज़ बनी पड़ी चीज़ों से आप इसको बना लेंगे। किचन में सबके ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी फेयर एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन पे शाइन आएगी। इसके लिए जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपको चाहिए वीट फ्लोर, वीट फ्लोर घर में हम जो रोटी बनाते हैं वो वाला जो आटा होता है, वो गंदम का आटा, वो लेना है आपने। ये स्किन को फेयर करता है, ब्राइट करता है, ग्लोइंग बनाता है, डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, ये पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। बहुत इफ़ेक्टिव है ये हमारी स्किन के लिए। तो आपने ये गंदम का आटा लेना है और आपने लेनी है मसूर की दाल लेनी है, उसको पीस के आपने उसका पाउडर बना लेना है। वो मसूर की दाल का पाउडर लेना है आपने 1 टेबल स्पून। ये भी स्किन को फेयर करता है, डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट होता है। ये स्किन को फेयर एंड ब्राइट करता है। और आपको चाहिए सॉल्ट, 1 टीस्पून आपने सॉल्ट लेना है, सॉल्ट भी हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। और 1 टीस्पून आपने शुगर लेनी है, शुगर जो है वो भी हमारी स्किन बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, हमारी स्किन में शाइन लेके आता है। कोई भी आप स्क्रब या पैक यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें तो बहुत अच्छा इससे आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट आता है, आपकी स्किन पे शाइन आती है। और 1/2 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है, ये भी स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता है इसका, वो आपकी स्किन को थोड़ा सा रफ़ कर देता है, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको यूज़ करना है। और आपने ये सब चीज़ें लेके एक बाउल में आपने सब ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेना है, आपने अच्छी तरह से आप इनको सबको चीज़ें डाल लें। और 1 टेबल स्पून आप इसमें मसूर की दाल ऐड कर लें, 1 टीस्पून सॉल्ट कर लें और 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड करें। और आपने इन सारी चीज़ों को 1/2 टीस्पून अब आप सॉल्ट ऐड करें, आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को मिक्स करें, फिर इतना दूध ऐड करें कि इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने जब नहाना है, नहाने से पहले आपने अपनी बॉडी को पहले गीला करना है। गीला करने के बाद ये जो स्क्रब है आपने पूरी बॉडी पे लगा लेना है और 5 मिनट तक हल्की आपने स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग जब भी करें आप सॉफ्ट हैंड से करें, हार्ड स्क्रबिंग से आपकी स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग करें और उसके बाद 10 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दें। 10 मिनट्स बाद अपनी बॉडी को आप वॉश कर लें और आपने बॉडी को वॉश करने के बाद फिर हल्का सा कोई माइल्ड सा आप सोप यूज़ कर लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरी टिप अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें मेरी डेली वीडियोज़ को देखने के लिए। और आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।